चलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं लाल बाल गोपाल। याद करो, हमने अपना रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया था। आज हम रिवीजन लेक्चर में बात करने वाले हैं। दिस इज वन शॉट वीडियो, मतलब पूरा का पूरा एडमिशन कवर करने वाले हैं। एडमिशन चैप्टर इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्वेल्थ सीबीएसई में हैं, आप सीएचएससी ट्वेल्थ सीएचएससी से हैं या सीबीएसई से हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर से हैं, यहां पर इन तीनों एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, इसकी संभावना बहुत 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 ज्यादा है। जनरली यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट साथ में न्यूमेरिकल करके जाएंगे। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो बने रहे टिल एंड, लेट्स स्टार्ट। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? जब किसी भी कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म जो पहले से चल रहा हो, अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो, या एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज देता हो, यानी जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, तो उस वक्त हम एक नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में लाते हैं, एडमिशन देते हैं, और उस नए पार्टनर को हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। हमारा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 बोलता है कि जब भी किसी नए पार्टनर को आपको पार्टनरशिप में लाना है, तो यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। यानी कि कोई नया पार्टनर सारे पार्टनर कंसेंट से ही पार्टनरशिप में आ सकता है। अब जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला काम होता है, जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट था उसको हम स्क्रैप करते हैं, खत्म करते हैं, और एक नया एग्रीमेंट विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हम एंटर करते हैं। जैसे देखो, अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, अगर सी नया पार्टनर आता है तो जो उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो वो चेंज होगा, उनके एग्रीमेंट चेंज होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पुराने एग्रीमेंट को स्क्रैप करते हैं, नए एग्रीमेंट को एंटर करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा उसे दो राइट्स मिलेंगे। राइट नंबर 1, टू शेयर एसेट्स, फ्यूचर एसेट ऑफ द कंपनी, एंड सेकेंड, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सिमिलरली उसे दो ऑब्लिगेशन भी आएंगे। नंबर 1, लाइबिलिटी शेयर करने का, और साथ ही साथ लॉसेस शेयर करने का। अब आते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो अकाउंटिंग में हमें कहां कहां प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हमें बेसिकली 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहला, प्रॉफिट शेयर रेशियो, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तीसरा शेयर ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, या कैपिटल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए, जो पॉपुलर केस है, केस 1, सिंपली हमें क्या करना है, जहां पर नए पार्टनर्स के बाद नए पार्टनर का शेयर दिया है, और ओल्ड पार्टनर्स की नए नए पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी आफ्टर एडमिशन, उनका रोल क्या होगा, उनकी रेशियो क्या होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप फॉलो करते हैं। याद करो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। इस 1 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं न्यू पार्टनर शेयर्स स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सिचुएशन 2, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवेन। बहुत बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें देता है कि नया पार्टनर किनसे कितना सेक्रीफाइस किया, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस 3, when old partners surrender their share
इन फेवर ऑफ न्यू। याद रखना एग्जाम में अलग से हमें लॉन्ग क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का बहुत यूज नहीं होता, सिर्फ यूज होता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। और इस केस में केस वन जो कि 90% केसेस में देता है, ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग होता है। केस टू में तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया तो टेंशन वाली बात नहीं है। केस थ्री में हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सॉरी इनटू सरेंडर वैल्यू कर देते हैं तो निकल जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जैसा हमने ऊपर किया केस टू जैसा कर देंगे। तो ये तीन चार केसेस हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है स्पेशली ओडिशा बोर्ड ने। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ फॉर्म, जो ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने मेहनत करके अपना रेपुटेशन बनाया और नया पार्टनर आएगा इस रेपुटेशन को शेयर करेगा, या ऐसे भी सोच सकते हो कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर को जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो जो पैसा घट रहा है नया पार्टनर आने के कुछ दिन बाद से एक दो साल बाद से ज्यादा प्रॉफिट होगी, नो डाउट उनका शेयर बैलेंस हो जाएगा, फिलहाल उसको कंपेंसेट करता है नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो जो कंपेंसेट करते हैं उसे हम गुडविल का नाम देते हैं। तो गुडविल कैसे कैसे हो सकता है, नंबर वन गुडविल शेयर होगा प्राइवेटली, गुडविल का पैसा हो सकता है नया पार्टनर ले आए जिसको हम प्रीमियम मेथड बोलते हैं, हो सकता है गुडविल अदर देन कैश हो सकता है डू नॉट पे शेयर गुडविल, हो सकता है पैसा ना लाके वो पैसा नहीं लाए और सिर्फ एक पार्ट लाए एक पार्ट ना लाए, और एग्जिस्टिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करता हो। तो ये सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, फटाफट से इनको एक बार देख लेते हैं। पहला जब वो प्राइवेटली देता है, प्राइवेटली का मतलब हुआ कि नया पार्टनर पैसे दे दे रहा है किसको, ओल्ड पार्टनर्स को दे दे रहा है गुडविल का पैसा, फॉर्म में गुडविल का पैसा नहीं आ रहा, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम मेथड जहां पर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, अगर गुडविल पैसा लेके आएगा तो पहली ट्रीटमेंट होगी, हो सकता है दो सिचुएशन, एक गुडविल का पैसा हम बिजनेस में रिटेन कर रहे हो सकता है बिजनेस का गुडविल का पैसा हम बिजनेस में रिटेन ना कर रहे हो, अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम ये केस मानते हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला तो हम पहला सिचुएशन को एजम्पशन मान लेते हैं कि बिजनेस गुडविल का पैसा बिजनेस में रिटेन हुआ। तो जब वो पैसा लाएगा तो लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, साथ में कैपिटल भी लाएगा तो कैपिटल भी हम डेबिट कर सकते हैं, और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, स्पेशली गेनिंग पार्टनर, तो जनरली गेनिंग पार्टनर नया पार्टनर होता है, और अगर एग्जिस्टिंग में से कोई गेन कर रहा है तो वो भी कंपेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल या गेनिंग पार्टनर्स, अगर कोई गेन कर रहा है तो वो कंपेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। इसलिए हमेशा इसके लिए हमें हमेशा चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली फॉर दिस पर्पस। इससे एक एग्जांपल जो वो एक सर्वाई दो पार्टनर है उनकी उनका रेशियो है 3:2, उन्होंने एडमिट किया ए को जो 1/3 शेयर लेगा, ए लाया 30,000 कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया 2 इयर्स ऑफ परचेस के हिसाब से लाया, ठीक है, गुडविल पर गुडविल कैलकुलेट करने हमें आता है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 कैसे अभी देखेंगे, और जो 4,000 है उसको ए और एक्स और वाई सॉरी बांट लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पहला सिचुएशन याद करो एनपीएसआर का न्यू प्रॉफिट रेशियो का पहला केस है, यानी कि नया पार्टनर के बारे में बोला है, ओल्ड पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोला, उस केस में ओल्ड सेक्रीफाइसिंग सेम होता, दैट इज 3:2 ही होगा, तो उस 4,000 को 3:2 में हमने बांट दिया। अब गुडविल कैसे निकला है तो एक बार बताता हूं, गुडविल 4,000 कैसे आया, देखो बोला है गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ फॉर्म। तो इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 30,000 माइनस 24,000 दैट्स कम्स टू 6,000। अब 6,000 इंटू 2 करो तो गुडविल ऑफ द फॉर्म आ गया 12,000,
सी का शेयर हो जाएगा 12,000 इंटू उसका शेयर 1/4, दैट इज 4,000। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। अभी तक कुछ नहीं बोला इसलिए हमने सिंपली रिटेन किया, रिटेन कोई एंट्री नहीं होती। अगर मान लो बोलता है उसने विड्रॉ किया तो हम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देंगे गुडविल विड्रॉन करने का। स्टार्टिंग की दो एंट्री देखो सेम है, लास्ट एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स टू कैश जितना रेशियो विड्रॉ। अगर सारा विड्रॉ कर रहे हैं तो जो ऊपर तुमने सेकेंड नंबर एंट्रीज में यानी यहां जो तुमने यही अमाउंट यहां आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देंगे व्हेन गुडविल इज विड्रॉ। ठीक है, जैसे एक देख लो राम एंड श्याम दो पार्टनर रेशियो है तेज विदुर, उन्होंने मोहन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो मोहन लाया 6 लाख कैपिटल 2,40,000 फॉर गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ 1/4 शेयर उन्होंने विड्रॉ किया, तो पहला तो कैश 8,40,000, कैसे 6 लाख कैपिटल का 2,40 गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पहले राम और श्याम में बांट दिया वही रेशियो होगा 3:2 उसमें बांट दिया, और वो 1/4 यानी कि 160 का 1/4 विड्रॉ कर रहे हैं तो 1/4 कितना होगा 40,000, 80 का 1/4 20, ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सेवन, गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन बैलेंस बुक्स। बहुत बार गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपियर करता है, जैसे देखो यहां तुम बैलेंस शीट में ना ये तुमको बोलेगा नहीं कि अपियर कर रहा है, बहुत बार ये बैलेंस शीट जो दिया होगा उसमें गुडविल का वैल्यू दिया होगा, जैसे यहां पर गुडविल का वैल्यू दिया है, तो हमारा काम क्या है इसको रिटर्न ऑफ करना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर। देखो ऐसा 6,000 है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर में, न्यू पार्टनर का कोई कनेक्शन नहीं होता, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर में इसको रिटर्न ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट है, बहुत बार पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में ना लाके किसी एसेट में लाता अदर देन कंसीडरेशन लाता है, सिंपली जिस एसेट में लाया उस एसेट को डेबिट कर देना, रेस्ट सारा सेम। जैसे देखो ईएनएफ दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2, जी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, ईएफजी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो यहां पर समथिंग डिफरेंट आ गया, इसमें न्यू प्रॉफिट रेशियो हमको इक्वली दे दिया, तो तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ई का देखो पहले से 3/5 था और अभी हो गया 1/3, तो इसको सॉल्व किया निकला 4/5, वैसे ही एफ का था 2/5 अभी हो गया 1/3, ये निकला 1/5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4:1, इसमें ये लोग गुडविल का पैसा बांटेंगे। और गुडविल में उसने लाया क्या 50,000 कैश और 70,000 का मशीनरी, तो कैश को 50,000 डेबिट कर दिए, मशीन को 70 डेबिट कर दिए, टू पेम फॉर गुडविल 1,20,000, और उसी 1,20,000 को हम ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने बांट लिया। नेक्स्ट आते हैं इसकी जॉइंट एंट्री क्या होगी। ओके, ये जरूरत नहीं है। बहुत बार इसके हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, दिस इज द लेजर पोस्टिंग, सिंपली लेके हम क्रेडिट साइड में डाल देते हैं और जो रिटर्न ऑफ किए उसे हम डाल देते हैं डेबिट साइड में। देखो यहां पर Again, this is not required. एक नंबर और कर लेते हैं, बोला ए और बी दो पार्टनर है, लॉसेस पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो है 3:2, उन्हें सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी गुडविल वैल्यूड 30,000 एंड नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। बहुत बार वो पैसा नहीं लाता, तो दो सिचुएशन है, एक विदाउट रेजिंग गुडविल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक विद रेजिंग कर सकते हैं। अगर गुडविल पैसा नहीं लाया तो विदाउट रेजिम क्या करते हैं, उसे कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं, और विथ रेजिम क्या करते हैं, गुडविल पहले रेज करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो रिटर्न ऑफ करते हैं, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू इन न्यू रेशियो। जैसे देखो गुडविल कितना था, वैल्यू था 30,000, तो पहले हमने क्या किया, सी का शेयर निकाला, सी कितना शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 कर दिया, ये निकला 6,000, तो हमने सी का कैपिटल क्रेडिट कर दिया और इन दोनों में इक्वली बांट दिया, क्योंकि पहले से लो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल निकलेगा। ठीक है, और अगर मान लो हम गुडविल को रेज करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स गुडविल में रेज कर लेंगे। देखो हमने पूरे गुडविल को, पूरे फॉर्म के गुडविल को हमने पहले रेज कर लिया, देन क्या करेंगे इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू, वो भी किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो दो में से कोई से एक तरीका कर सकते हैं, प्रिफरली पहला तरीका किया जाता है। तो ये बता दिया, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर करता 6,000, अभी हमने डिस्कस किया था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। जब हमको रेज और रिटर्न अप करना हो, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो पहले ओल्ड पार्टनर्स उसको रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, और न्यू पार्टनर्स के साथ ओल्ड पार्टनर्स को रिटर्न, ऑल पार्टनर मिलकर रिटर्न अप कर लेंगे
न्यू रेशियो में। अब आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, पहले से जो पार्टनर लोगों ने प्रॉफिट जमा करके रिजर्व्स को जमा करके रखा है, तो देखो वो ये वो पार्ट है जो ओल्ड पार्टनर, सपोज ए और बी दो पार्टनर है, ये लोग हर साल एक एक लाख रुपया एक जगह जमा कर रहे हैं, 5 साल बाद सी एडमिट किया, तो ये जो 5 लाख है पैसा किसका है, ए और बी का है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो इसमें सी और सी का भी मिल जाएगा। तो जब जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो जो पहले का प्रॉफिट या रिजर्व होता है उसको ट्रीट करना जरूरी है, जो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेक्रीफाइसिंग गेन निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे, सी कंपेंसेट कर देगा ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, दूसरा तरीका कि ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स को बांट के खत्म कर दें। तो जैसे मैंने बताया समटाइम बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म मे शो रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओनली द ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव दिस एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ओल्ड इश्यू। न्यू पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं मिलता बिकॉज के क्रिएट किया किसने, ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने। अब ऐसा नाम क्या क्या दे सकता है, तो ये सारे कुछ नाम दे सकता है, समझ जाना ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, इन नाम से दे सकता है, जैसे रिजर्व फंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज हो गई, ठीक है, और ये क्रिएट होता है उनके कैपिटल में। वैसे ही अगर लॉसेस एक्युमुलेटेड लॉसेस है, जैसे ये सारे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको हम डेबिट कर देंगे कैपिटल में। जैसे देखो वहां पर रिजर्व फंड कंटीजेंसी एक्युमुलेटेड फंड दिया, तो हम क्या करेंगे इसे क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, अगर लॉसेस दिया है तो इसे हम डाल देंगे डेबिट साइड में वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, कहां डाल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में। जैसे देखो दिया है एल एम दो पार्टनर है, रेशियो 5:3 है, ओ को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर है वो, एल एम का पास पहले से रिजर्व है 1:60 का और जनरल जब 1:60 का और दो 1:40 का है, तो पहला हमने 1:60 को लेके आपस में बांट लिया, 2:40 का पीएल का बैलेंस है उसको भी बांट लिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू में। सेम इस पे एक और नंबर है, इसमें देखो 32,000 का हमारे पास प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, दैट मींस 1,00,000 का जनरल रिजर्व है और 32,000 का लॉस है, तो लॉस क्या करेंगे उनको कैपिटल को डेबिट किया, रिजर्व हमने क्या किया क्रेडिट किया किसमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड किसको बोलते हैं, जो किसी खास पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, तो इनको कभी भी ओल्ड पार्टनर्स में बांटा नहीं जाता, ये कैपिटल ये लायबिलिटीज होता है बैलेंस शीट में, नए पार्टनरशिप नया बैलेंस शीट जो बनेगा आफ्टर एडमिशन उसमें ये एज इट इज अपीयर करेगा, जैसे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई सेविंग फंड, याद रखना अगर ये दिया है नो ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कभी कभी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देता है, उसे अगर कोई क्लेम नहीं दिया तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल में उसको बांट देते हैं। अब आते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने एसेट्स को वापस से वैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, हो सकता है एसेट का वैल्यू चेंज हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल आज से 5 साल पहले जब फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म बना तब ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने क्या किया, मिलकर एक जमीन परचेस की से 7 लाख में, 5 साल बाद जब नया सी नाम का नया पार्टनर ज्वाइन किया इस जमीन की वैल्यू हो गई है 10 लाख, तो नॉर्मल जो 3 लाख है ये वेट किया ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने, पैसे इन्वेस्ट किए ओल्ड पार्टनर्स ने, लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जब भी कभी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगा सी का भी शेयर उसमें आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है वापस से हम रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं और याद रखना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू इसको बांट लेते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स ही बांटेंगे वो भी ओल्ड इश्यू में। और हम एक जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें सिर्फ लैंड का लिया, हो सकता है मशीन का वैल्यू कम हो गया हो, किसी का बड़ा हुआ किसी का कम हो गया हो, तो इस सबको एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है रिवर्सन अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट से फर्क क्या पड़ता है कि सारे प्रॉफिट क्रेडिट सारे लॉसेस डेबिट। प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, मान लो मेरे पास 7 लाख का लैंड था, वैल्यू बढ़ के 10 लाख होगी, दैट मींस आई हैव अर्न 3 लाख, तो एसेट का वैल्यू बढ़ने से अनरिकॉर्डेड एसेट होने से या लायबिलिटीज की वैल्यू घटने से हमारा प्रॉफिट होता है, डिविडेंड को क्रेडिट में डालते हैं। और लॉस होता है कब, जब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना हो या लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाए, तो इसका प्रोफॉर्मा क्या है, देखो दिस इज द प्रोफॉर्मा, सारे लॉसेस को हमने डेबिट में डाला, इनकम को क्रेडिट में डाला, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उससे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इश्यू में पार्ट। इसकी पोस्टिंग कैसे होगी,
प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट में डाल देंगे, लॉस हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में डाल देंगे। अब एक कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी चीजें दी होंगी, रेवोल्यूशन भी, गुडविल भी, अनडिशोर्ड प्रॉफिट भी, कैपिटल भी और नया बैलेंस शीट भी। तो वो बोला है, ये तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 2:1, क्रेडिटर है 65,900 का, ए का कैपिटल 30,000, बी का कैपिटल 20,000, लैंड बिल्डिंग ऐसा करके हमें दिया है। नीचे में बोला कि एम नाम का एक पार्टनर एडमिट हुआ, 15,000 लाया गुडविल कैपिटल, 6,000 ला रहा है गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉ कर ले, हमने डिस्कस किया क्या क्या होगा। अब जब भी ऐसे नंबर आते हैं सबसे पहला हमारा काम है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। तो रिवोल्यूशन में देखो क्या क्या आएगा, बोला स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी घट गया 10%, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, बिल्डिंग का वैल्यू 20% अप्रिशिएट हो गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर्थी फॉर द नॉन रिकॉर्डेड, अभी उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि हमारे पास ये 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 रिवोल्यूशन के आइटम्स। तो सबसे पहले आते हैं रिवोल्यूशन में, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ, प्रोविजन क्रिएट करना है, स्टॉक मशीन का वैल्यू रिड्यूस करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो देखो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, इनकम हुआ, इसलिए हमने क्रेडिट में डाल दिया, जितना वैल्यू बिल्डिंग दिया था 50,000 का उसका 20% निकाले, 10,000 यहां डाल दिए, ये 10,000 कहां से आया, ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू हमें गिवन है, उसका हमने 20% निकाला, ठीक है। सिमिलरली डेटर का वैल्यू दिया है, उसका 5% निकाल ली, स्टॉक का वैल्यू दिया है, प्लांट मशीन का वैल्यू दिया है, उसका 10% निकाल के हमने डेबिट में डाल दिया लॉस हुआ बोल के, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट में क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है, और बैलेंसिंग किया, प्रॉफिट आया 5,415 जिसको हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड एचओ में बांट लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका ट्रांसफर कहां होगा, लेजर पोस्टिंग। तो जो अब आते हैं इसकी लेजर पोस्टिंग, यानी कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं उसकी लेजर पोस्टिंग होगी। सबसे पहले क्या करना, जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया उसको उठा के उनके रेस्पेक्टिव कॉलम में डाल देना। जिसमें देखो ए का अमाउंट 30,000 हमने ए में डाला, बी का अमाउंट बी में डाला, पहला काम खत्म। दूसरा काम है जो तुमने रिवोल्यूशन किया था ना, चाहे एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद देखो सी जो पैसा लगाया गुडविल का और कैपिटल का, सी वाला पैसा बाइकेस लिख के सी में डाल देना, जितना पैसा सी लाया, कितना लाया कैपिटल का नाम का 15,000 लाया, वो ये 15,000 कैपिटल वाला हमने यहां डाल दिया। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 था उसको याद करो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उसको हमने बांट दिया 4,000-2,000, उसकी पोस्टिंग कर दी। अगर जर्नल आया तो हमें ये करना है और लेजर आया तो ये करना है, ओके। अब याद करो इसका पैसा वो विड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला है, पहले हमें जब मिला हमने क्रेडिट में डाल दिया, जब विड्रॉ कर रहे हैं उसको हम डेबिट में डाल देंगे। अब आते हैं रिवोल्यूशन में, प्रॉफिट हुआ था तो बाय रिवोल्यूशन 3610-1805 ऐसा कर दिया। अब इनके हम बैलेंसिंग कर देंगे, तो ए में निकल रहा है 37610 क्रेडिट साइड में और डेबिट में 4,000 है, तो निकल जाएगा बाय बैलेंस के अराउंड 33610। सेम बी का टोटल के निकला 23805, डेबिट में 2,000 है, माइनस के निकला 20805, एम में सिर्फ 15,000 है, क्रेडिट में भी वही 15,000 आ जाएगा। तो हमने पार्टनर्स रिवोल्यूशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट में, देखो नया बैलेंस शीट कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्रेडिटर को हमने एज इट इज लाके पुट कर दिया। ये हमने नया पार्टनरशिप, नया जो पार्टनरशिप कैपिटल बन अकाउंट बनाया ये कहां से लाया, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। लैंड बिल्डिंग 60,000 कैसे हो गया, तो 50,000 था प्लस 10,000 वैल्यू बढ़ गया, स्टॉक का वैल्यू 20,000 था माइनस 2,000 कम हो गया, डेटा 97 का था प्रोविजन काट के डाल दिए, कैश का बैलेंस निकालना बताएंगे, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था वो आ गया। अब देखो कैश हमारे पास पहले से 1210 था, हमेशा गलती बच्चे कैश में करते हैं, ध्यान से देखो कैश हमारे पास 1200 था, 6,000 कैश का गुडविल का पैसा लाया वो और 15,000 लाया कैपिटल नाम का पैसा, तो अब ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया, उसमें से 6,000 निकाल लिया तो जो बच गया 16,200 वो हम डाल दिए बैलेंस। तो उम्मीद है ये हमारा वन शॉट वीडियो ऑन एडमिशन समझ में आया, दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमने एक वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट रिविजनल वन शॉट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।